ऑकलैंड साल 1836 में इंडिया आते हैं एज गवर्नर जनरल। अब इस दौरान एक ग्रेट गेम खेला जा रहा था बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन, और इस गेम का ऑब्जेक्टिव था कि किसका कंट्रोल अफगानिस्तान पे होता है। अब ऑकलैंड को डर ये था कि अगर रशिया का कंट्रोल अफगानिस्तान पे हो गया तो शायद फिर रशिया इंडिया पे भी अटैक कर सकता है। सो इस वजह से ऑकलैंड की सोच ये थी कि अफगानिस्तान पे कैसे ना कैसे करके एक पपेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाए जिसका कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास ही हो। दैट्स व्हाई इसी अटेम्प्ट के चलते होता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर इन द ईयर 1839 टू 1842। इनिशियली इस वॉर के बाद ऑकलैंड सक्सेसफुली पपेट राजा इंस्टॉल कर देते हैं अफगानिस्तान में, पर अफगानिस्तान की आम जनता को यह चीज पसंद नहीं आती है और फिर वो रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट द पपेट गवर्नमेंट। और एट लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रीटी साइन करनी पड़ती है अफगान ट्राइबल्स के साथ और पपेट राजा को हटाया जाता है। सो इस रिवोल्ट के दौरान हजारों ब्रिटिश सोल्जर्स मारे जाते हैं, बहुत से रुपए लग जाते हैं ब्रिटिशर्स के, और एंड में मिलता क्या है, नथिंग। सो ऑकलैंड की ब्लंडर पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान उनको टाइटल देती है द मोस्ट डिजास्ट्रस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।